अरे ये क्या सिस्टम है भैया। कहाँ लग वाह बाबराना भैया, सबसे बड़ा गया? रुपया तो फिल्मी स्टाइल में तो क्यों फिल्मी फिर स्टाइल ने पेमेंट मेरे मिल गया उसकी तेरा तरफ से बेटा और आ गया। भगवान की प्रसाद की तरफ से आप लोग मुंह मीठा करिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा और एक एक तो मिठाई फ्रेंड्स दीजिए ये बहुत सारी मिठाई है ना, मिठाइयाँ ये मिठाई है सिर्फ यूट्यूब पेमेंट के लिए। और हाँ भगवान आ जाए ना, सबका मालिक है भगवान ने, जब दिया ना भगवान बोला जब मैं तुम्हारा मन्नत से पूरा कर दूँगा मैं तुम्हारे लिए गेट मंदिर का खोल दूंगा। तो आज वही चीज़ हमारे मंदिर में गेट खुल गया। जैसा उस भगवान बस खा ले, बस भगवान को ना खुश करना है, प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी खुशी दिया ना तो भाई भगवान को खुश तो करना ही है। क्यों फ्रेंड्स कमेंट करो। तो फ्रेंड्स सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड देख लीजिए प्रिया क्या कर रही है। और मैं आज आपको सभी को बता दूं, आज ना इस ब्लॉग में ना सबसे बड़ा गुड न्यूज है। आप लोग सोच रहे हो गुड न्यूज क्या है, जब तो प्रिया ही बताएगी। पहले तो मैं बोल दूं सभी को गुड मॉर्निंग एंड कैसे आप लोग? ठीक तो है फ्रेंड्स लोग, तुम तो तुम कैसे हो? क्या है, क्या हो सकता है? तो बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे सिस्टर और हमारी जो भी फ्रेंड थे सभी ने ये कमेंट किया कि जो आपको मनी मिला है वो सबसे पहले उसमें हक भगवान जी का होता है। आप I mean, friends, जो हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया था तो आप उससे पहले भोग लगा दो। तो फ्रेंड देखिए आपने देखी लिया वीडियो और आप लोगों ने प्यार भी बहुत सारा दिया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही प्यार दें तो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार आप लोग इतना कम प्यार देते हो कि दिल टूट जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बस आप लोगों से यहाँ जो विनती है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और वहाँ जाके करेंगे माता। तो फ्रेंड देखिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना मंदिर में, वहाँ पे आप लोग चाहे जो भी दिक्कत में हो, दुख कष्ट में हो, आप लोग वहाँ से मन्नत जरूर मांगना, आपका मन्नत जरूर पूरा होगा। जब भी मैं जाता हूँ ना मैं तब इस ब्लॉग में ना यही बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग का ना मन्नत वहाँ से बहुत ज़्यादा पूरा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी मांगना ना हो पूरा फिर आप मुझे बोलना कि हाँ रोहन भाई नहीं तो हुआ मन्नत पूरे। देखिए मैं बता दूं, अभी तो मैं हो रही थी रेडी, जानू रेडी हो चुके हैं एकदम। और आपको पता ही फ्रेंड इस हालत में कितना बहुत दिक्कत होती है तैयार होने में, और गर्मी उतनी पड़ रही है, तो चलते हैं रेडी वेडी हो जाते हैं फिर उसके बाद। पहले तो आप लोग मत, तो फ्रेंड्स मैं फिर से आता हूँ, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो हमारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आया है हम जाने वाले हैं। बहुत से सिस्टर एंड ब्रदर का ये मैसेज आ रहा था कि भाई आप इस पैसे को खर्च मत करो। मैं पहले बता देता हूँ मैं उस पैसे को खर्च नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तो उसमें से पहले मैं सिर्फ, सिर्फ 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 वन वन थाउजेंड नहीं 100 100 रुपए लेने वाले हैं, लेकर के उसके बाद जो है भगवान जी को थोड़ा प्रसाद चढ़ाने वाले हैं। और जो हमसे प्यार करते, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने हमें बोला उसे मैं नहीं कहने वाला, लेकिन फ्रेंड्स पहला हकदार तो आप लोग थे, उसके बाद भगवान है, भगवान है फिर आप हो, आप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी, तो पहले तो हम आपको ना अपना इस मंदिर में दिखाते हैं। ये हमारा घर का मंदिर है, आप सभी को पता है। तो इस मंदिर को ना मैंने कुछ दिन पहले हटा दिया था, लेकिन फिर से मैंने सजाया है, आज ही प्रिया ने सजाया था, लेकिन मैं फिर से फ्रेंड्स मंदिर के यहाँ पर रख दिया हूँ। बस आप लोगों को बोलूँगा फ्रेंड्स आप लोग मत्था मंदिर में टेक लीजिए हमारी माता रानी को, बस जैसे आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सभी से हाथ जोड़ के विनती है। अब तो हमारा लाइफ यूट्यूब पे ही चलेगा, सब दिन हम यूट्यूब पे रहेंगे, बस आप लोग हमें सपोर्ट एंड प्यार देते रहिएगा फ्रेंड्स, जैसे आप दे रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी तो प्रिया रेडी हो रही है, रेडी हो कि नहीं? हाँ, बस हो रेडी हो ही चुकी है। हाँ, तो फ्रेंड्स चलते हैं, आप चल के आपको मिलेंगे मंदिर में या फिर मिठाई की दुकान पे। तो फ्रेंड्स आपको पहला प्रसाद भी हम ही लोग खिलाएंगे और आप लोगों को खाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं मंदिर में जाने के बाद। फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और पसीना पसीना हो जा रही हूँ इतना तैयार तैयार हो के, तो आगे जानू भी तो जाने। अब चलते हैं फ्रेंड्स सीधा मुंह मीठा करने की दुकान पे। भगवान तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको भाई, भगवान तो बस एक थोड़ा खाते हैं लेकिन खा जाते हैं हम ही लोग। बिल्कुल भी नहीं खाते, भगवान तो खाते हैं कि नहीं खा, लेकिन ये है कि खाते हैं हम ही लोग। लेकिन ये है कि बस भगवान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान थोड़ा अपना जूठा कर दे, भगवान जूठा खाने में मजा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि उससे ना थोड़ा ये होता है कि अमृत जैसे होता है, अमृत जैसे। चलते हैं, जमात पूरा रेडी हो चुकी है और मुझे देख लीजिए वही शादी वाला शर्ट, वही मेरा घड़ी जो प्रिया ने गिफ्ट में दिया मेरे था, पास भी बस यही है। तो चलते हैं आपसे मुझे फ्रेंड्स मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा, मैंने सबको बता दिया। आप लोग फ्रेंड्स प्लीज सब जितने भी लोग हैं ना विश जरूर मांगना, जरूर वहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स आ गए हम पहली दुकान के पास, जो अपना वही पुराना दुकान जहाँ से पहले जाते हैं हर बार, जिसे से खाएं जल्दी साहब, देख लो कितने वैरायटी पड़े हुए हैं। फ्रेंड देखिए बड़े दुकान पे इसलिए लेके ना, अभी हम लोग ना उस लायक ही नहीं हुए, बड़े दुकान के लायक ही नहीं हुए, क्यों जानू है? बस फ्रेंड जैसा उस भगवान बस खा ले, बस भगवान को ना खुश करना है, प्रसन्न करना है, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी खुशी दिया ना तो भाई भगवान को खुश तो करना ही है। क्यों फ्रेंड्स कमेंट्स को बताना आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो।
फ्रेंड्स लेते हैं प्रसाद, फिर चलते हैं मंदिर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, एक्टिवा में जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन एक्टिवा बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। कौन सा गाना मुझे तो भाई देख लो। हाँ तो फ्रेंड देख लो, एक्टिवा चलाने के बाद बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही खुशी मिल रही है भगवान के दरबार ना। मैं आज पहली बार एक्टिवा से जा रहा हूँ, नहीं फ्रेंड जब भी हम लोग गए पैदल ही गए हैं, पहली बार फ्रेंड। फ्रेंड मंदिर पहुंच चुके हैं, रोड क्रॉस करके हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो। और हमारा वीडियो अपलोडिंग अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स तो अभी मंदिर में अब वीडियो अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड ये है बस ये कि अभी मंदिर जो फ्रेंड जो भाई अभी साफ सफाई कर रहे हैं, जब साफ सफाई मंदिर की हो जाएगी फिर हम लोग पूजा करेंगे। और भगवान से मंदिर खुला दिखाया नहीं, मंदिर हमेशा बंद रहता था। फ्रेंड्स हम लोग जब भी आए थे ना तो मंदिर मतलब बंद ही रहता था, बंद है, लेकिन ये है कि आज है ना सबका मालिक भगवान ने जब दिया ना, भगवान बोला जब मैं तुम्हारा मन्नत पूरा कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए गेट मंदिर का खोल दूंगा। तो आज वही चीज़ हमारे मंदिर में गेट खुल गया। तो फ्रेंड चलते हैं अभी, देखते हैं भगवान पूजा करेंगे, भगवान से मन्नतें मांगेंगे। और मैं बोल रहा हूँ भगवान से जरूर प्रे करना और मन्नतें जरूर मांगना। और प्रिया तो कैसे बैठी हुई पूरा। और भाई फ्रेंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो फ्रेंड्स फाइनली आज ना मंदिर की गेट खुल गई ना, आई मीन हमारी किस्मत खुल गई भाई। तो फ्रेंड्स फाइनली ना आज ये मंदिर की गेट खुल गई ना, हमारी किस्मत भी खुल गई। तो फ्रेंड देखिए हमारा ना मन्नत पूरा होते ही इस मंदिर में, जब से फ्रेंड्स हम लोग आते थे मंदिर में पूजा करने के लिए, तब से फर्स्ट टाइम है कि मुझे मंदिर का गेट खुला मिला। और फ्रेंड्स सबसे चीज़ मैं दिखाऊँ जो सब जो सबको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, और उस चीज़ को ना सब बंदे प्यार करते हैं। देख जरा कैसे बैठे हुए हैं भाई, बड़ा क्यूट सा है फ्रेंड्स। ऐसा डॉगी मैंने शिमला में देखा था, ऐसे कभी देखा नहीं था, इतना मस्त दिख रहा है ना। और प्रिया पूजा कर रही है, और मैं पहले बता देता हूँ जिसे मन्नत मांगना है जल्दी जल्दी से मन्नत मांग लो, पूरा ना हो फिर मुझे बोलना रोहन भाई मन्नत पूरा नहीं हुआ। मैं सबको ही बोलूँगा कि भाई मेरा मन्नत यहाँ से पूरा हो जाता है। और हाँ दिल से मांगना, मैं पहले बता रहा हूँ फ्रेंड्स, दिल से मन्नत मांगो जरूर पूरा होगा। तो फ्रेंड्स प्रिया पूजा कर रही है, जब हम लोग पूजा कर लेंगे फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मंदिर के अंदर और कर रही हूँ पूजा, पहली बार मतलब गई हूँ मंदिर के अंदर, नहीं तो हमेशा मंदिर बंद होता था। तो देखिए कितनी साफ सफाई पूरा है। तो मैं जो भी हो लड्डू उड्डू चढ़ा चुकी हूँ, धूप बत्ती जला चुकी हूँ, बजा रही हूँ घंटी भी लगा, इसलिए मुझे थोड़ी हंसी आने लगी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी विश मांग लीजिए, और थोड़ा ज़्यादा प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के मैं जो भी हो चढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए आप लोग भी मन्नत मांगिए, और वहाँ से जा नहीं सकते थे। हाँ तो मंदिर के अंदर पूजा हो ही गया है, अब प्रिया पूजा करिए पीपल के पेड़ के पास। तो फ्रेंड देखिए पीपल का पेड़ के भी एक मान्यता होता है, और हर इंसान पीपल के पेड़ को भी पूजा करते हैं। तो भाई प्रिया भी कर रही है, बस हमारा जो आने वाला बाबू है ना वो सही से मतलब इस दुनिया में आया, और आप लोगों से हम अपने बाबू को मिलवाए। फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ तो जो हमारा यूट्यूब पेमेंट आई ना, हम लोग उसके खुशी में पूजा करने यहाँ पे आए, अपने पैसे को सारा मतलब भगवान को दिखाने आए। तो और देखिए प्रिया का ना वहाँ पे जो है माचिस की तिल्ली जल नहीं रही, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ज़्यादा हवा चल रहा है इसलिए जल नहीं रही माचिस की तिल्ली। तो आप लोग प्रे करो कि माचिस की तिल्ली भी जल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, प्रिया देख लो भाई कितना परेशान हो रही है, भगवान बोल रहे नहीं बेटा तुमने यहाँ पर माचिस नहीं जलाना है, मैं तुम्हारे अलाउ नहीं करता माचिस जलाने के लिए। तो फाइनली माचिस की तिल्ली जली चुका है, और देख लीजिए फ्रेंड्स बस आप लोग मन्नत मैं बार बार बोल रहा हूँ, मन्नत जरूर मांगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और देखिए प्रिया कैसे कैसे पूजा करती है, तो आप लोग बस देखते रहिए। आप लोगों ने प्रे किया था, प्रिया का जो है धूप बत्ती जली गया आप लोग प्रे के बाद। और देख लीजिए भाई प्रिया कह रही मैं तो सीधा भगवान को मिठाई खिलाने से पहले मैं खुद खाऊंगी। तो फ्रेंड्स बस आप लोग इसे गौर से, तो फ्रेंड्स आप लोग बस प्रे ही करिएगा कि हम लोग की लाइफ इतनी जल्दी और भी जल्दी जल्दी हम लोग की लाइफ अच्छी हो जाए, और हम लोग की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं, ढेर सारा प्यार आप लोग भी दो और ढेर सारी खुशियाँ। तो फ्रेंड्स जो मैं चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना माता के लिए, और एक लाइक तो आप लोगों का बनता है। हाँ प्रिया पूजा करते, घर में पूजा किया ही नहीं मैंने। अच्छा तो ये बताओ तुम कुछ बोलना चाहोगी भगवान के लिए यहाँ पे? बोलना चाहूँगी यही कि मेरी तो विश पूरी होती है, लेकिन फिर भी बताऊँ अभी तो मैंने भगवान से जो मांगा है पूरा कर दे, क्योंकि अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, दिल से बोलूँ तो जानू है ही नहीं। हाँ दुखी तो बहुत, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग का ना विश बहुत ही पूरा हो भी गया है, और आप लोग भी मांगिएगा। और फ्रेंड्स अब बस यही बोलूँगा कि हम लोग लव मैरिज करके ना बहुत ही अच्छा काम किया, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम, और हम लोग किस्मत वाले हैं जो हम लोग एक दूसरे के साथ मिले हैं। और दीजिए तो फ्रेंड्स बस एक दूसरे के साथ हैं, और रोज़ नाराज होते हैं और सुनाते हैं चार बात। ये भगवान के मंदिर के सामने बोल रही है भगवान मेरा पोल खोल दिया, भगवान को तो पता ही रहा कैसे मेरा पोल खोल दिया प्रिया ने। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको घर में जाने के बाद। फ्रेंड आपका भाई आपका ब्रदर आ चुका है अपने घर के अंदर, अपने तारों के महल में और माता रानी के मंदिर में। तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए, फाइनली आप प्रिया पूजा कर रही है यहाँ पे। तो भाई देख लो फ्रेंड्स मैंने तो मन्नत मांग लिया अपना मन्नत, और मैंने मन्नत क्या मांगा
आप लोगों को मैं जब बताऊंगा जब मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक मन्नत मेरा पूरा हो गया, यूट्यूब पेमेंट था, तो यूट्यूब पेमेंट फ्रेंड हमारा आई गया फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया। और बहुत से लोग कमेंट से कर रहे थे कि रोहन भैया वीडियो कैसे बनाना, यूट्यूब पैसे कैसे कमाए, कैसे क्या करना है। तो भाई मैंने स्पेशली इस पर एक वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो जाकर देखना कैसे क्या करना है, आपको वहाँ पता चल जाएगा। बाकी जिसको नहीं पता आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज करो, आपको हम वहाँ का सोल्यूशन जरूर देंगे। तो फ्रेंड देखिए प्रिया पूजा कर रही है, मेरी जान है बच्चा कैसे पूजा कर रही है ना, वाह वाह। सेरा वालिए तेरा सेरा आ गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया, वो माँ सेरा वालिए तेरा सेरा आ गया। आओ आओ, पहले फ्रेंड्स लोग टीका लगा, फिर मुझे लगाना, पहले फ्रेंड्स लोगों को लो, आओ पहले फ्रेंड्स लोगों को मैंने बोला, फिर मुझे लगाओ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी टीका लगा लीजिए, प्रिया के हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से लगाओ मुझे, मैं फिल्मी स्टाइल में लगाऊंगी। अरे भाई मैं तभी से पकड़ रखा हूं, दिल 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 दिल, अरे अरे और अरे यार मैं इतना लंबा हूँ भाई, दिल 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 दिल, अरे ये क्या सिस्टम है भैया, कहाँ लगे, वाह बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिल्मी स्टाइल ने मेरी जान तो मुझे टीका लगाई दी है, और आप लोग भी लगा दिया। फ्रेंड्स आप लोग कोई गलत कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि आपको भी लगाई, आप ये मत बोलिएगा कि रोहन भैया प्रिया भाभी आपने मुझे नहीं लगाया। प्रसाद खाओ, प्रसाद देख ला, प्रसाद तो खाओ। तो फ्रेंड्स एक चीज आपने नोट किया, पूजा करके आई प्रसाद खाओ, मनी की छोड़ना नहीं है, मैं बताया था ना ये पूजा करेंगे नहीं, ये अपने खाने के लिए ना ली जरूर थी भाई। माँ सेरा बालिए तेरा सेरा आ गया, अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया, भगवान की प्रसाद की तरफ से। आप लोग मुंह मीठा करिए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा और एक एक मिठाई, तो फ्रेंड्स ये मिठाई है ना, ये मिठाई है सिर्फ यूट्यूब पेमेंट के लिए और भगवान का। फ्रेंड देखिए यूट्यूब पेमेंट ही का नहीं है, बस सिर्फ भगवान, आप लोग भगवान का प्रसाद समझ के, जितने मेरे फैमिली मेंबर है सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज सभी आप लोग, पहले इसका हकदार आप लोग हो, तो पहले आप लोग खाओगे, और भगवान है, भगवान को तो हमने खिलाई दिया, दूसरा आप लोग। देखिए मेरे दिमाग में इतनी बात नहीं थी फ्रेंड्स, और आप लोगों ने कमेंट किया कि भगवान को भोग लगा दो इन पैसों से, तो मैं गई मतलब जो भगवान जी को भोग भी लगा दी, भोग भी लग गया, भगवान जी भी खुश, आप लोग भी खुश, और आप लोग भी प्रसाद लीजिए और अपने मन को शांति शांति करिए। तो लो जानू, तो भाई अपनी धर्म पत्नी के हाथ से लड्डू खाए, आहा मजा। अच्छा लेकिन इसमें इस प्रसाद में मिलावट बहुत है, चीनी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड प्रसाद तो हमने खा लिया, तो हो गया। अब जो बच्चे हैं अब चलते हैं, सबको दे देंगे थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स वैसे बहुत भूखे हुए हैं, हमने आपको बताया हमारा वीडियो अपलोडिंग करने का टाइम 11:19 पे है, हमने वीडियो भी अपलोडिंग कर दिया, और तभी फ्रेंड्स हम लोग भूखे हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, चलते हैं अब खाना वगैरह खाते हैं, फिर आप लोगों से मिल चटमंगनी पट बिया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपने कुछ नोटिस किया जरा, प्रिया का भगवान के दरबार के पूरा फूलन देवी बन के सज और सवर के, और वहां से आते ही पूरा यहाँ पे इनका कपड़ा ही चेंज हो गया, लगी नहीं प्रिया है। अच्छा फ्रेंड्स ये कौन जरा बताना, प्रिया है क्या, ये कोई और है? रोहन ने किया दूसरी शादी, ओ माय गॉड, रोहन की होगी दूसरी शादी। तो फ्रेंड बता दें घर था, घर में पता है आज हमारे, और फ्रेंड देखिए मैंने चेंज नहीं किया, हमारे तब ना उमस बहुत हो रही, उमस वाला जो गर्मी होता है कितना खतरनाक होता है, मेरी बीवी का जवाब दिखा रहे हैं, वाह मेरी बीवी जी बोलिए। तो फ्रेंड मैंने आज बनाया आलू दाल, दाल वाली आलू, फ्रेंड देख लीजिए, और ये मैं पहली बार खा रहा हूँ जब से शादी हुआ है ना, मैं पहली बार खा रहा हूँ आलू वाली दाल, मैं तो ऐसे अपने घर में भी नहीं मेरे खाता था, में आलू पड़ी हुई थी और इतनी सी मसूर की दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा ये दिमाग लगाया, पहले मैंने सोचा दाल और आलू को भरता, फिर मैंने कहा क्यों नहीं आज मसालेदार करती क्या हूँ, इसी में दाल आलू काट के पूरा फ्राई करके बनाते, तो मैंने ऐसे, आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोगों ने खाया है कि नहीं और ऐसे बनाया है कि नहीं कभी। तो मैंने, तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मैं खा टेस्ट करके बताऊंगा प्रिया, देखिए फ्रेंड्स कैसा है, मस्त है। तो फ्रेंड्स आप लोग बस ऐसे हमें प्यार सपोर्ट देते रहिए, और इस ब्लॉग को ना यहीं पर कर देते हैं एंड। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। आपको हमारी शॉर्ट ड्रेस वाली वीडियो कैसी लगी? और बहुत से लोग बोल रहे थे कि प्रिया वो प्रिया कपड़े कहाँ से चेंज कर रही, कपड़े कहाँ से चेंज कर रही है, अब प्रिया से सुन लो कहाँ से कपड़े चेंज कर रही थी प्रिया, यहाँ पे पार्क, पार्क में हर जगह वॉशरूम बना हुआ है, देखिए जहाँ पार्क होता है चंडीगढ़ वहाँ पे हर जगह वॉशरूम होता है, हर पार्क में, चाहे आप यहाँ एक पार्क रहेगा बस चार कदम
जाओगे जाओगे पार्क में, फिर वहाँ भी वॉशरूम बना होता है यहाँ पार्कों में। तो फ्रेंड्स प्रिया कपड़े वहीं चेंज किए, आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमें थोड़ा सा लव मैच के पल को सपोर्ट कर दें, बस थोड़ा सा अपना प्यार दे दें। तो आज के लिए अभी के लिए सभी को इतना ही, एंड बाय बाय, लव यू ऑल।